हेलो दोस्तों, आज मैं आपको T12X आयरन के बारे में बताऊंगा, किस तरह इसका यूज करना है और इसके क्या क्या फीचर हैं और ये बाकी आयरन से इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो फीचर हैं वो सबसे अलग है, मतलब मैनुअल ऑटोमेटिक इसका सब सारा मैनेजमेंट अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको प्रेस करके रखना है, 7 नंबर पे लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप, इसकी लैंग्वेज चाइनीज में आती है मोस्टली, तो आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे इसको प्रेस करके रखना है तो ये सीधा होम स्क्रीन पर आ जाएगी। तो यहाँ में इसका मैनेजमेंट और इसका सेटअप क्या है तो आपको मैं बताऊँगा। तो आपको ये वाली बटन प्रेस करके रखनी है। तो इसका जो सबसे पहले इसका शॉर्टकट टेम्परेचर जो 2nd नंबर पर आ रहा है, वो शॉर्टकट टेम्परेचर इसका कैसे मैनुअली सेट करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 200 जो डिग्री का टेम्परेचर दिखा रहा है आपको। इस पे जिसमें 3 चैनल होते हैं तो आप परमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला चैनल है 200 पर मैंने सेट करके रखा है, और 2nd चैनल जो है वो 350 पर है, और जो 3rd नंबर है वो 450 पर है। तो इससे क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ होम स्क्रीन पर। मान लो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ये जो वाला 260 डिग्री का जो ये दिखा रहा है टेम्परेचर, तो आपको जैसे कुछ काम करना है या फिर आपको इसका, आपको चाहिए कि मैं शॉर्ट में यहीं से ही इसका टेम्परेचर हाई करूँ, तो आपको अंदर से या फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार, तो आपको सिंपली यहाँ पे सिंगल टैप करना है तो इसका ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा जो कि हमने मैनुअल में सेट करके रखा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है बूस्ट, तो ये 20 से 32 डिग्री हो गया है। तो ये हो गया इसका मैनुअल सेट करने का, जहाँ से मैंने बताया था। अब इसका लोड जो यहाँ पे है, इसको भी हम अगर देखो, वही 3 चैनल यहाँ पे नीचे दिखा रहे हैं जो हमने अंदर से इसका सेट किया था। तो फिर से हम इसको प्रेस करेंगे। अब हम इसके ऑटो आइडल में जाते हैं। ऑटो आइडल में मैंने इसको 200 टेम्परेचर पर करके रखा है। अगर आपको इसको और टेम्परेचर चाहिए कि ज़्यादा हाई करना है, तो आप यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम डाउन कर सकते हैं। और डिले का जो यहाँ पे 4 मिनट का मैंने टाइम दिया है, तो इसको आप जहाँ भी मर्जी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको 250 पे करके रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से इसको होम स्क्रीन पर जाना होगा, फिर से आपको प्रेस करना है, और फिर आपको ऑटो स्लीप, मतलब ये कितने बार मैंने इसको डिले पे करके रखा है, 5 मिनट। अगर मैं आयरन को 5 मिनट छेड़ूंगा नहीं या फिर मैं इससे कोई काम नहीं करूँगा, इसको यूज में नहीं लूँगा, तो ऑटोमेटिक अपने आप ऑटो कट वाला काम करेगी, मतलब ये ऑफ हो जाएगी, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। क्योंकि कई बार हमारा आयरन जो ज़्यादा हीट पर रहेगा कंटिन्यू और हम काम भी नहीं कर रहे, तो जो आयरन का जो बिट होता है, ये वाला जो बिट होता है इसके साथ जो आयरन का, ये गर्म होने के कारण ब्लैक ब्लैक हो जाता है, और बहुत ही, मतलब उससे हमें, हमारे बिट को नुकसान है, और बिट ज़्यादा टाइम तक इसकी लाइफ कम हो जाती है, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, ना ही स्मूथ चलेगा। तो ये तो हो गया इसका, वही डिले का जो टाइमिंग है वो आपके पीछे है कि आप ज़्यादातर कितने अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम सेट कर लेना। नीचे जो इसका हैंडल है या बटन है, आपको हैंडल पर सेट करोगे तो जैसे ही आप इस आयरन के इस वाले, इस जो ये हैंडल है, स्टेशन है, अगर इसमें आप रखोगे तो ये हैंडल पर काम करेगा। अगर बटन पे कर दोगे तो बटन पर तब काम करेगा, तब आप इसकी बटन प्रेस करेंगे। तो मैंने इसको ज़्यादातर मोस्टली तो इसको हैंडल पर करके रखते हैं, बट आपके पीछे है, आप कौन सी चीज़ ज़्यादा जो आपको कंफर्टेबल है आप वहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। तो फिर से हमें होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो अब फिर से एक बार प्रेस करो, उसके बाद ऑटो स्लीप मैंने आपको बता दिया। अब इसका टेम्परेचर बूस्ट का जो मैनुअली सेटअप है वो भी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखो मैंने 30 डिग्री पर सेट करके रखा है, होल्ड टाइम 30 सेकंड का, तो आपको ज़्यादा यहाँ से करना है, ज़्यादा 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी आपकी मर्जी करना हो। लास्ट इसका मैक्सिमम जो है वो 80 डिग्री तक है, तो मैंने इसको 30 पे करके रखा है। आपको जहाँ पे बेस्ट लगे आप कर सकते हो। और इसका होल्ड टाइम, मतलब इसको प्रेस करने के बाद में कितनी देर बाद टेम्परेचर बूस्ट हो जाता है, मतलब आपको चाहिए कि जो बाकी टेक्नीशियन है वो करके रखते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही वो चाहिए तो आप इसको मैनुअली
20 या फिर जहाँ तक भी आप 20 सेकंड का भी कर सकते हैं। मैंने तो इसको 30 सेकंड पे करके रखा है। ये हो गया इसका टेम्परेचर बूस्ट। फिर से होम स्क्रीन पर आते हैं और इसके बाद में फिर से एक बार वहीं पे जाएंगे तो हमारा लास्ट, अगर मान लो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको कैसे करना है, और इसका टेम्परेचर जो मैनुअली यहाँ पे बूस्ट करना है, मतलब ईच स्टेप इसका क्या करना है आपको। जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे ना, ये जो इसका ये है ट्रांजिस्टर वाला जो बटन है, आपको जैसे कि यहाँ पे आप सेट कर देंगे 20 डिग्री पर, तो आप इसको एक बार करेंगे तो उतना ही जहाँ पे जितना यहाँ पर सेट करके रखेंगे एक बार ऐसे घुमाने पर, तो ये उतना ही टेम्परेचर वहाँ पे लोड लेगी, मतलब ऑटोमेटिक काम करेगा जितना आप यहाँ पे सेट करेंगे। इसका जो टेम्परेचर सेटअप है, मैंने इसको मैनुअली 20 डिग्री पर करके रखा है। आप जितना जहाँ पे आपकी मर्जी वहाँ पे उतना इसको बढ़ा सकते हो जैसी आपकी इच्छा है। तो फिर से इसको होम स्क्रीन पर जाना है। इसको जब भी आप कोई भी ऑप्शन ओपन करोगे या फिर आप कुछ भी सेटअप करोगे तो हर बार एक ऑप्शन करने के बाद में फिर से मतलब पूरा होम स्क्रीन पर आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक बार में जैसे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उस तरह का इसका यूज़ नहीं है, होम स्क्रीन पर आपको आना ही होगा। फिर से इसकी बटन प्रेस करके रखना है और लास्ट में यहाँ पे देखो इसमें साउंड अगर आपको स्विच करनी है, जो इसकी साउंड आती है यूज़ करने की, आप साउंड भी स्विच कर सकते हो। इसमें फैक्ट्री सेट भी है, मान लो जैसे कि आपकी सेटिंग आपसे मिसमैच हो गई है या फिर आप चाहते हैं कि मैं इसमें फैक्ट्री सेट करूँ, आपका आयरन अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। फिर इसका सिस्टम इन्फो भी आप यहाँ से जान सकते हैं, और लास्ट जो ये 11वां जो ऑप्शन है, यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। मान लो आप कहीं अंदर सेटिंग में घुस गए हैं, आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से फिर से होम स्क्रीन पर जाऊँगा। देखो जो मैंने सेटअप किया है वो देखो 320 डिग्री का जो है वो मैंने इसे बूस्ट पर किया था। अब मैं जैसे ही यहाँ पर करूँगा तो ये फिर से वापस, ये सॉरी एक मिनट, तो सिंगल टैप करना है, प्रेस करना है, तो देखो मेरा जो टेम्परेचर है वो 290 पर डिग्री पर फिर से आ गया। और फिर से मेरे को चाहिए कि मुझे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, फिर से एक बार सिंगल क्लिक करो, उसके बाद में फिर से यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे लोड ये दिखा रहा है, जो मैंने लोड सेट किया था वही लोड सेट दिखा रहा है, और ये तीनों चैनल यहाँ पे जोन से, जैसे आई सी लेवल का काम करना है तो आप इसको 450 पर भी कर सकते हैं, और नॉर्मली तो इसको 32 में करते हैं, बट आपको जैसा बेस्ट लगे आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका। अब इसका देखो ये भी इन्होंने जो दिया है, ये जो आयरन है, इसका पैन है जो, वो भी बहुत ही काफ़ी स्मूथ है, चलाने में भी बहुत अच्छा है, अच्छे से वर्क भी करता है। बट इसका सेटअप आप जैसा करोगे उसी हिसाब से इसकी लाइफ रहेगी और उसी हिसाब से ये काम करेगा। मेन चीज़ इसका सेटअप है, जो लोग जिनको पता नहीं है इसके बारे में कि इसका क्या यूज़ है, क्या सेटअप है, तो उन लोगों का जो आयरन है वो यहाँ से यूज़ करने पर ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही ऑन रहेगा, काम भी नहीं कर रहा है, और आयरन इस वाले स्टैंड में रख सकती है, और इसको मैनुअली सेट नहीं करके रखा है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे रखे रखे भी बूस्ट होता रहेगा, और जो आपका ये जो पैन है वो ब्लैक हो जाएगा, और उससे हमारे आयरन है जो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके साथ में इन्होंने एक मटेरियल भी दिया है, यहाँ से हम इसको क्लीन भी कर सकते हैं, मान लो ज़्यादा इस पर सोल्डर वायर लग गया या फिर मटेरियल लग गया है, तो यहाँ से हम इसको क्लीन भी कर सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत ही एक अच्छा उन्होंने मटेरियल इसके साथ में दिया, यहाँ से हम इसको इसमें वाटर डाल के भी क्लीन कर सकते हैं, विदाउट वाटर भी कर सकते हैं, बट बेस्ट रहेगा कि विदाउट वाटर है, ये नहीं कि नहीं रख सकते, इससे भी हम क्लीन कर सकते हैं। और ये भी इसका स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है, देखने में भी और रखने में भी कोई बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके साथ में ये जो इसका ये दिया है, एक रबड़ दिया है, ये रबड़ जो है इसका आयरन या बिट चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको पकड़ के बिल्कुल आसान से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखो जैसा कि मैं इसको एक बार निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये बाहर निकल जाता है, फिर से हम लगाएंगे तो फिर से तुरंत काम कर लेगा। बट इसको बिट चेंज करने के लिए, अगर आपको बिट चेंज करना है या दूसरा वाला बिट काम में लेना है, तो आपको सबसे पहले आयरन को ऑफ करके ही निकालना है, तो ही बेस्ट रहेगा। तो एक ये चीज़ हो गई। सोल्डरिंग वायर जो है, जो 0.5 mm का है, ये भी बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारा काम हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कहने का ये है इसका जो यूज है ना, आप उसके पूरी तरह से इसको फॉलो करेंगे तो आयरन की लाइफ भी देखो ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है चलाने में भी, और बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है आसानी से, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बट इसका यूज आप अगर सही से करोगे तो
काफ़ी ज़्यादा लाइफ चलेगी, और जो जितने भी मार्केट में आयरन है वो भी बहुत, वो उन सबसे ये बहुत ही अलग है। इसका यूज़ भी और इसका वर्किंग भी बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ में प्लस में ये जो इसका पेस्ट है, तो मैं रिलाइफ का पेस्ट लेके आया हूँ, ये भी बहुत ही बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी कंपोनेंट इक्विपमेंट मेरे को अगर निकालना है लगाना है तो आईसी लेवल में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये वाला जो टेम्परिंग वायर के लिए आपको पैन चाहिए, तो मैं इसके साथ, ये इसके साथ तो नहीं आता है बट अलग से परचेज करना पड़ता है। ये वाला जो इसका बिट है, ये जंपरिंग वायर के लिए आपको कहीं पर भी जंपरिंग करना है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ये उसके साथ नहीं आता है आयरन के साथ में, आयरन के साथ में बस एक ये वाला बिट ही देते हैं, और ये वाला बिट आप वहीं से परचेज कर सकते हैं शॉपकीपर से। ये वाला भी, इसका बिट बहुत ही अच्छा है, जंपरिंग कहीं पर करना है तो ये बहुत ही स्मूथ चलता है और बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हमारे चैनल पर नए आए तो फटाफट से सब्सक्राइब करो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और टूल की रिव्यू के लिए।